गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, अपनी कक्षा में चल रहा है बेटा वो सम टिपिकल नोट्स। पिछली कक्षा में हमने अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जाना और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हमने कुछ सीखा, वो हमें अच्छे से लर्न हो गया होगा। आज हम अपने अगले यानी कि तीसरे नोट्स को लेकर के हाजिर हुए हैं और तीसरे नोट्स की कहानी हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तीसरे नोट्स की कहानी लेकर के चलेंगे और हम अच्छे से अपने दिमाग में समझेंगे, ठीक है। देखो, कुछ बच्चे मुझे पता है कि बड़े लगन के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ क्लास देखते हैं और वो कुछ सीख भी रहे होंगे बेटा। देखिए, अब आज की क्लास जैसे हम खत्म करें तो थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना है मुझे बताओ कि आपने कितना परसेंट अब तक इंग्लिश में अचीव किया है, इंग्लिश में आपकी इंटरेस्ट जो रुचि है वो पैदा होने लगी है या नहीं होने लगी है बताओ। ये चीज़ मुझे आप एक बार और बता दो और आप कुछ भी कमेंट वाले मत करना, ठीक है बताओ। ये चीज़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। बढ़ाए तो हम उसको और ज़्यादा तेज़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे बताओ, ठीक है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप हमें कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद करेंगे कि हमारे सामने सर किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है कि हम इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ा है 50%, 60%, 70%, जो भी रेशो आपका है वो आप मुझे क्लियर करके ज़रूर बताओगे। तो आज चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं हमारे तीसरे टिपिकल नोट्स के साथ। और तीसरा टिपिकल नोट्स आज का हम लेते हैं बेटाओ बहुत ही बेहतरीन, गोइंग टू वाले बाइक। ऐसे बाइक जिनमें क्या दिया हुआ होगा बेटाओ, गोइंग टू। इसको थोड़ा सा समझो बेटा, गोइंग टू जब हम इसकी बेटा पहचान लिखेंगे, इसको इसकी जब आइडेंटिफिकेशन हम लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटाओ कि वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर प्लस गोइंग टू, इज, आर, एम, बाज पर प्लस गोइंग टू दिया होता है। देखो, सब्जेक्ट तो कुछ भी आ सकता है, आई एम गोइंग टू आ गया, ही इज गोइंग टू आ गया, आई बाज गोइंग टू आ गया, सब्जेक्ट राम बाज गोइंग टू आ गया, तो सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। तो गोइंग टू के साथ हमें वर्ब मिलेंगी इज, एम, आर और वाज, वर, ये गोइंग टू हमको दिया हुआ मिलेंगे बेटा। अब आपको ध्यान रखना है गोइंग टू के तुरंत बाद हमें क्या मिलती है बेटा, एम बी फर्स्ट, और एम बी फर्स्ट के बाद हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें कुछ मिल सकता है ईटीसी। यानी कि जो दिया हुआ जो बेटा वाक्य है वो हमको इस प्रकार से, इस पैटर्न से मिलेगा कि इज, एम, आर, वाज, वर प्लस गोइंग टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस, यानी कि गोइंग टू के बाद एम बी फर्स्ट का होना जरूरी है, ध्यान रखना। गोइंग टू के बाद एम बी फर्स्ट जरूर मिलेगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा और फिर हम ईटीसी में आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक बाइक लिखें बेटा, आई एम गोइंग टू परसेस अ कार टूडे, आई एम गोइंग टू परचेज ए कार टूडे। तो देखो, आई के साथ आई एम गोइंग टू, टू के बाद देखो एम बी फर्स्ट है ना, परचेज के तुरंत बाद हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि ये मैंने आपको इसलिए लिखा है बेटा कि बाइक में से हमको ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा ये ध्यान रखना है। गोइंग टू के बाद तो एम बी फर्स्ट मिलेगी, एम बी फर्स्ट के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, एक कार। तो वाक्य का जो पैटर्न आपके लिए एक्टिव वॉइस में आएगा ना बेटा, वो इस प्रकार से आएगा। चलिए, अब हम इसका जो पैटर्न यदि हम इसका बनाएंगे तो पैटर्न इसका क्या करेंगे बेटा, देखो हम शुरू में निकालेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे बेटा, हम सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, हम सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर हम एच बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एच बी। एच बी ध्यान रखना, एच बी का टेंस कैसा रहेगा बेटा, अब हमारा नो टेंस, जैसे इज, आर, एम दे रखा है, ठीक है, इज, आर, एम दे रखा है, तो इनका टेंस एक है,
तो टेंस वो ही रहेगा, यदि वाज वर्ब दे रखा है तो इसका टेंस एक है। वैसे सहायक क्रिया चेंज हो सकती है बेटाओ, एक वचन के साथ एज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ पर, लेकिन टेंस अपना वो ही रहेगा। एच बी कैसे आएगी, नो चेंज करके, नो एच बी के बाद फिर हम क्या लिखेंगे बेटाओ, गोइंग टू, क्या लिखेंगे, गोइंग टू, जो ये गोइंग टू आ रहा है, ठीक है, एच बी ये आएंगे, उसके बाद क्या आ गया था, गोइंग टू, गोइंग टू के बाद फिर हमको अपने मन से क्या लगाना है बेटा, वी लगाना है बस। गोइंग टू के बाद अपने मन से क्या लगाना है, वी लगाना है, और वी लगा करके जो हमको एम बी फर्स्ट आएगा उस एम बी फर्स्ट का हमें क्या करना है बेटा, एम बी थर्ड करना है, प्लस सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। असर्टिव सेंटेंस का पूरी तरह से वो ही फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो कि गोइंग टू के बाद बी लगा देनी है अपने मन से, क्या लगाना बेटा, बी, यानी कि जो गोइंग टू है, गोइंग टू हमें आएगा उस गोइंग टू के बाद बी लगा करके एम बी थर्ड करना है, क्या करना है बेटा, एम बी थर्ड बस। और शेष पैटर्न अपना जो चला आ रहा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है, वो हमारा आएगा ही, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट। देखिए हम एग्जाम्पल के सहारे और इसको अच्छे से देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या निकालेंगे हम, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या निकल के आया बेटा, हमारा आकार आ गया। अब आप देखिए बेटा एम, एच भी जो होगी वो हमारी कैसी होगी बेटा, नो चेंज, आई के साथ एम है तो एक आर के साथ क्या आएगी बेटा, इज, और गोइंग टू का गोइंग टू, गोइंग टू का गोइंग टू हो गया। उसके बाद टू लगा करके जो एम ई फर्स्ट है ना ये, इसका टू बी और परचेज कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, और टू बी परचेज कंप्लीट, टू बी परचेज करके, और फिर हमको क्या करना है बेटा, वाई मी और टूडे, यानी गोइंग टू वाले वाक्यों का पैटर्न इस प्रकार से। दूसरा सेंटेंस देखिए बताओ आप अच्छी तरह से, ही वाज गोइंग टू बिल्ड ए न्यू हाउस, ही वाज गोइंग टू बिल्ड ए न्यू हाउस, ओके, तो इसका जब ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट निकल के आएगा आ न्यू हाउस, तो वाज का क्या होगा बेटा, वाज और गोइंग टू, यहां तक तो हमें कोई चेंज करना नहीं है। गोइंग टू के बाद सीधा अपन क्या लगाएंगे, वी, और ये जो एम बी फर्स्ट है ये देखो, ये जो एम बी फर्स्ट है इसकी एम बी थर्ड कर देंगे हम विल, और बाय हिम, ओके बेटा, इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस को सेट करेंगे, ठीक है। चलो और एग्जांपल हम आगे करते हैं, तीसरा, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, स्पष्ट बना सकते हैं बेटा गोइंग टू से, सबसे पहले हमने लिया आ लेटर, ठीक है, यहां आई के साथ एम है तो ए लेटर के साथ क्या हो गया, इज Going to, और to के तुरंत बाद क्या लगाया हमने, वी, और राइट की थर्ड फॉर्म कर दो क्या हो जाएगी बेटा, written, और why me, चौथा देखिए आप, she was going to read stories, She was going to read stories. अब आइए बताओ, अब जब इसका पैसे हम बनाएंगे तो stories
अब सी के साथ वाद स्टोरीज कैसा हो गया बेटा बहुवचन, तो क्या लगा देंगे हम, वर गोइंग टू वी सीट्स और बाय हर। ठीक है, अब देखो इसमें से एक बाइक और मैं आपको देता हूँ, उलझन में मत पड़ जाना बेटा, ठीक है, 5% उलझन में बिल्कुल सस्पेंस मत हो जाना। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ यहाँ पे, सम वर्डी इज गोइंग टू कुक फूड। तो ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा समबडी, ये कैसे भी सेंटेंस में आ सकता है, ध्यान रख लेना, गोइंग टू वाले में भी आ सकता है। इसको जब हम बनाएंगे बेटा तो देखो, फूड इज गोइंग टू वी और क्या हो जाएगा बेटा, कुक्ड बाई समबडी नहीं आएगा। ठीक है, तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कैसे भी वाक्य में आ सकता है, ध्यान रखना। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यदि आ गया तो उसे हम हटा देंगे, चाहे वो गोइंग टू वाला वाक्य हो या फिर हमारे पिछले वाले वाक्य हो। तो इस प्रकार से गोइंग टू वाला आपके समझ में अच्छे से बैठ गया बेटा, कि गोइंग टू वाले वाक्यों को हम पैसिव कैसे बनाएं। गोइंग टू के बाद वी लगाओ और एम बी फर्स्ट को एम बी थर्ड कर दो, वही नियम चलेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट आता है तो उसे हम सेट नहीं करेंगे। चलिए अब देखो मैं आपके लिए एक चीज और बताता बेटा, पेपर में तो खैर नहीं आता लेकिन कभी कभार हमको उलझाने के लिए कोई सेंटेंस दे देते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, और आपसे कह दिया बेटा इस बाइक का आप पैसिव बनाइए, आई एम गोइंग टू स्कूल, आपसे कह दिया बेटा कि इसका पैसिव बनाइए, तो आप क्या करते हैं बेटा, कोशिश करने लग जाते हैं कि स्कूल इज बीग गॉन बाय मी टू वगैरह। ठीक है, कि सर ने गोइंग टू वाले कराए तो थे, गोइंग टू तो इसने भी दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना बेटा मैंने आपको क्या लिखा है, कि गोइंग टू तो होता है लेकिन गोइंग टू के बाद एम बी फर्स्ट भी अवश्य होती है और एम बी फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी अवश्य होता है। इसमें गोइंग टू तो है लेकिन गोइंग टू के बाद कोई एम बी फर्स्ट नहीं है और एम बी फर्स्ट नहीं है तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इसका पैसिव नहीं बन सकता। क्योंकि जब मैंने पैसिव स्टार्ट किया था बेटा तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि पैसिव सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है, किसकी बनती है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब की। वर्ब वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था बेटा कि वर्ब अपनी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और एक तीसरी डाय ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब का सिर्फ पैसिव बनेगा, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। तो यहां गोइंग टू कैसी वर्ब बेटा, गोइंग इंट्रांजिटिव, जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो गोइंग जो है वो अपनी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका कोई भी पैसिव नहीं बनता है। अब गोइंग टू तो यहां भी है बेटा, ठीक है, गोइंग टू तो यहाँ भी है लेकिन गोइंग टू के बाद राइट ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद क्या दे रखा है, अ लेटर हमको ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनता है, ऐसे वाक्यों का कोई पैसिव नहीं बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये बताओ कि आपको ध्यान क्या रखना है, कि गोइंग टू के बाद एम बी फर्स्ट होनी जरूरी है और एम बी फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसका पैसिव बन जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, सी इज गोइंग टू, सी इज गोइंग टू स्कूल, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए या शी इज गोइंग टू द रूम, तो उसका पैसिव नहीं बनता है। अब आप ये ध्यान रखना कि गोइंग टू के बाद एम बी फर्स्ट और एम बी फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में है तो उसका पैसिव बन जाएगा। बस गोइंग टू के बाद क्या करना है, वी लगाना है और एम बी फर्स्ट को एम बी थर्ड करना है, तुरंत ही वो हमारा पूरा हल हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट से। हरि ओम कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चलिए अब अगला वाला नोट्स हम लेके चलते हैं, तीसरा हो गया चौथा वाला, और चौथा वाला नोट्स करेंगे बेटा हम
अबाउट टू वाले वाक्य। कैसे वाक्य करेंगे बेटा, जिनमें क्या दिया हुआ मिलेगा? अबाउट टू। ओके स्टूडेंट्स, तो अबाउट टू वाले में केवल आप एक नोट के जरिए एक चीज याद रखो बेटा, सेम एज गोइंग टू। अबाउट टू वाले वाक्यों का पैसिव बिल्कुल गोइंग टू वाले वाक्यों की तरह बनता है। जो पैटर्न गोइंग टू वाले वाक्यों का है बेटा, वो ही पैटर्न सेम की सेम अबाउट टू वाले वाक्यों का है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। देखो वही, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया बेटा आपने? सब्जेक्ट। फिर एच भी हमारी वही, नो चेंज। इज एम आर वाजवर, इसमें भी वही आएगा बेटा, इज एम आर वाजवर और अबाउट टू। एच भी इसमें कैसे रहेगा बेटा? वही, नो चेंज। अब जो हमने गोइंग टू लिखा था उसकी जगह क्या लिखा हुआ आएगा बेटा? अबाउट टू। अबाउट टू के बाद हमें क्या वी लगाना है और एम बी थर्ड कर देना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है और फिर हमको ई टी सी डाल देना है। देखिए एग्जाम्पल देखो, पहला ही इज अबाउट टू लर्न अ लेसन। ही इज अबाउट टू लर्न अ लेसन, इसकी जगह ये भी हो सकता है बेटा, ही इज गोइंग टू लर्न अ लेसन। सेम पैटर्न आएगा दोनों का। तो हम इसको कैसे बनाएंगे बेटा देखो, सबसे पहले आ लेसन इज अबाउट टू और टू के बाद क्या लगा बेटा? वी और लर्न की थर्ड फॉर्म कर दी हमने, लंच वाई और ही का क्या कर दिया बेटा हमने? हिम। ही का क्या कर दिया हमने? बाय हिम। और लर्न में बेटा टी और लगा लो, बिल्कुल सेम गोइंग टू वाला पैटर्न है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। देखो दूसरा हम सेंटेंस करेंगे बेटा, सी इज अबाउट टू प्ले अ गेम। सी इज अबाउट टू प्ले अ गेम, तो देखो इसको हम बना सकते हैं, अ गेम इज अबाउट टू और अबाउट टू के बाद क्या लगाया हमने? वी और प्ले का क्या कर दिया बेटा हमने? प्लेड्स और प्लेड करके हमने क्या कर दिया बेटा? वाई हर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से गोइंग टू और अबाउट टू दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। आगे हम तीसरा सेंटेंस करके चले बेटा, आई वाज गोइंग, सॉरी आई वाज अबाउट टू परचेज अ बैग ऑफ बुक्स। आई वॉज गोइंग टू परचेज अ बैग ऑफ बुक्स, ऑफ का नहीं मत भूलना, वो ही लगेगा बेटा, आ बैग और ऑफ आ गया तो ऑफ के बाद जो नाउन है वो पूरी की पूरी आएगी, ध्यान रखना, यानी पिछले नियम भूल मत जाना बिल्कुल ही बेटा। तो अ बैग ऑफ बुक्स, ये हमारी क्या हुई बेटा? अ बैग ऑफ बुक्स, ये निकल के आ गया हमारा क्या बेटा? ऑब्जेक्ट, अ बैग ऑफ बुक्स। और हमने इसमें लिखा बेटा वाज और फिर लिखा अबाउट टू, अ बैग ऑफ बुक्स वाज अबाउट टू और टू के बाद क्या लिखा बेटा? वी और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या कर देता? परचेज और बाय मी। अगर इन वाक्यों में भी कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यदि आ जाता है तो उस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिए अगला नोट लेकर के चलते हैं बेटा। देखो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बस अबाउट टू गोइंग टू क्या करना है? टू के बाद भी लगा करके एम बी फर्स्ट को एम बी थर्ड करना है और कोई दिक्कत इसमें लेनी ही नहीं है हमें। आइए
आइए बेटा अगला नोट लेके चलते हैं हम, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। देखो बेटा मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाए हैं ना बेटा, वो एक सीरीज के हिसाब से पढ़ाए, बिल्कुल एक सीरीज से, ठीक है। देखो टीचर सब होते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, मैं सभी गुरुजियों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ बेटा कि मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया बिल्कुल सीरीज वाइज, सीरीज वाइज पढ़ाए, सीरीज वाइज पढ़ाए कि एक के बाद एक, ऐसा नहीं तितर बितर कोई कहीं से लेकर के कहीं से पढ़ा दिया, कहीं से लेकर के कहीं से पढ़ा दिया। यानी मैंने आपको जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक सुपीरियर तरीका लिया है जो आप उसको समझ सकते हैं। यानी कि सीरीज, पहले ये सेंटेंस, उस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस कौन सा आएगा, ठीक है। अब मैं इसी से मिलता जुलता हमारा अगला पांचवा नोट लेके चलता हूँ बेटा, एच बी प्लस टू वाले वाई। अब तक हमारी बेटा इतनी क्लास हो गई लेकिन हमने एच बी प्लस टू नहीं देखा, ना मैंने आपको अब तक बताया। यानी सहायक क्रिया के बाद टू, जैसे हम बोलते हैं आई एम प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग, तो एम के बाद टू लगेगा, आई एम टू प्ले, इस तरह से। सी इज कुकिंग फूड, सी इज टू कुक फूड, यानी इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है बेटा। यानी कि एच बी के बाद हमको टू लगा हुआ और मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज को, बिल्कुल ही नया नियम है आपके लिए कि एच बी के बाद हमें टू और लगा मिलेगा तो उसका क्या करें बेटा। आई एम राइटिंग अ लेटर, हम कर सकते हैं बेटा, आई एम राइटिंग ए लेटर, आराम से बना सकते हैं, लेकिन आई एम टू राइट ए लेटर आ गया तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, एम के बाद टू आ गया तो हम उसमें उलझन में पड़ जाते बेटा। चलो देखते हैं, आइए। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसकी पहचान कंप्लीट कर लेते बेटा, पहचान में क्या होता है बेटा कि एच बी आएगी और एच बी के बाद हमें क्या मिलेगा बेटा, टू मिलेगा, क्या मिलेगा, टू। और जब टू आ जाता है ना, टू के बाद सब बच्चे जानते हैं तो एम बी कौन सी आएगी बेटा, फर्स्ट आएगी, कौन सी आएगी, फर्स्ट। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग, एम के बाद टू नहीं है तो राइटिंग आ गया, अगर एम के बाद हमने टू लगा दिया आई एम टू तो राइटिंग नहीं बेटा, राइट आएगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा एम बी फर्स्ट आता है। ये मैंने आपको इन्फिनिटिव वर्ब, पांचवी वर्ब कराई होगी, इन्फिनिटिव वर्ब, एन टू के बाद एम बी फर्स्ट, एच ई प्लस टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस, और यहाँ पे आता है बेटा ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्लस ई की सी। इस तरह से बाकी का फॉर्मूला आता है, शुरू में क्या आएगा बेटा, कोई भी सब्जेक्ट, यानी एच बी आएगी, एच बी के बाद टू और टू के बाद एम बी फर्स्ट, और फिर क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं कि एम बी के तुरंत बाद ही क्या मिलता है, हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ऑब्जेक्ट का स्थान कैसा बेटा, फिक्स। अब यदि इसका हम पैटर्न बना के चले बेटा, क्या चलें, पैटर्न। देखो जैसे कि यहाँ पे बाइक हमने लिखा आई एम टू राइट ए लेटर, देखिए हमने पढ़ा है आई एम राइटिंग ए लेटर, लेकिन आई एम, एम के बाद क्या है टू, और टू के बाद क्या है एम बी फर्स्ट, और फिर आ लेटर, इस तरह से। तो इसका जब हम पैटर्न बनाएंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, तो बाइक में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं बेटा, सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, एच बी, और एच बी इसमें भी कैसे आएगी बेटा, नो चेंज, यानी एच बी का कोई टेंस चेंज नहीं होगा, प्लस एच बी आ गई बेटा, एच बी के बाद क्या लगाएंगे हम टू, और टू के बाद हम क्या लगाएंगे बेटा, वी, फिर एम बी फर्स्ट जो दे रखी है उसका हम क्या कर देंगे बेटा, एम बी थर्ड, प्लस सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसी। तो देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट ईसी, एम बी थर्ड, ये तो आ ही रहे हैं बेटा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हमको करना क्या, केवल एच बी चेंज नहीं करनी है बेटा, और टू के बाद बी लगाकर एम बी फर्स्ट करना है, वो जो गोइंग टू में करने आगे उसी से मिलता जुलता है, जो हम गोइंग टू में करते आ रहे थे, गोइंग टू और अबाउट टू में, कि गोइंग टू के बाद टू लगाओ, गोइंग टू के बाद वी लगाओ, और एम बी फर्स्ट को एम बी थर्ड करो, सेम वो पैटर्न इसका है। देखिए एग्जाम्पल आओ, जैसे कि हमने ये सेंटेंस किया, एग्जाम्पल फर्स्ट, आई एम टू राइट ए लेटर,
तो सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, आ लेट, ठीक है। अब आई के साथ एम, लेकिन अ लेटर के साथ क्या आएगा बेटा, इज, ये तो हम लोग जान ही गए। और इज के साथ क्या लगा दिया हमने, वही टू। टू के बाद फिर हमको क्या लगाना बेटा, वी। और राइट की थर्ड फॉर्म करनी है हमको रिटर्न, अ लेटर इज टू बी रिटर्न बाय मी। इस तरह से करना है स्टूडेंट्स। अब चलिए आगे देखो, दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने जैसे कि किया बेटा, सी हैज टू कुक राइस फॉर द गेस्ट। सी हैज टू कुक राइस फॉर द गेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, राइस। क्या निकाला, राइस। और राइस के साथ क्या लगाया बेटा, हैज टू, और टू के बाद बी, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या कर दी बेटा हमने, कुक्ड बाय हर फॉर द गेस्ट। फॉर द गेस्ट, इस तरह से बेटा हमको ये सेंटेंस सेट करने हैं, ओके। जैसे हम चलो 30 सेंटेंस लेंगे, और 30 सेंटेंस हम इसमें करें बेटा कि ही विल हैव टू, ही विल हैव टू लर्न अ स्टोरी, ही विल हैव टू लर्न अ स्टोरी। तो देखो विल हैव एच वी प्लस टू, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। सेंटेंस जब आप बनाओगे तो सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि है कैसा, इसमें कोई कौन सी नई चीज है। तो नई चीज हमको विल हैव टू, तो एच वी प्लस टू, ठीक है बेटा, एच वी प्लस टू। तो एच वी प्लस टू, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं, की आवश्यकता नहीं है। एच वी प्लस टू में टू के बाद बी लगा करके एम वी प्लस टू एम वी थर्ड कर दो। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, आ स्टोरी। क्या किया, आ स्टोरी। विल हैव टू, विल हैव टू, वी और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, लर्न्ड बाय हिम। आ स्टोरी विल हैव टू बी लर्न्ड बाय हिम। इस प्रकार से बेटा हमें ये सेट करना है, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके स्टूडेंट्स। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया बेटा, और यहाँ पे देखो मैंने आपको एक एग्जांपल इस तरह से लिखा है, नो वन वाज टू, नो वन वाज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो सेंटेंस देखो इसमें बेटा, नो वन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और वाज टू अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमको ये वाज से नहीं जोड़ना, और जब वाज से नहीं जोड़ना है तो हमको नॉट और लगाना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे बेटा, तो ब्रेकफास्ट वाज नॉट टू, वाज नॉट टू, और वी प्रिपेयर्ड। अब इसमें वाई नो वन नहीं करेंगे बेटा, वाई नो वन नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हमने पैटर्न तैयार किए बेटा, ध्यान रखना, पहले पैटर्न हमने तैयार किया बेटा गोइंग टू, फिर हमने तैयार किया बेटा अबाउट टू, और फिर हमने तीसरा पैटर्न तैयार किया था बेटा एच वी प्लस टू। ये तीन तरह के बाइक आज की क्लास में बेटा अपन ने क्लियर किए हैं, और तीनों तरह की क्लास में हमने क्या किया बेटा, और टू के बाद क्या लगाया, वी। क्या लगाया बेटा, वी, फिर हमने एम वी थर्ड कर दिया, और कुछ नहीं किया बेटा। हल्का सा नियम है, बिल्कुल उलझन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीनों तरह के बाइकों को आप एक साथ याद रखो, जो आज की क्लास में मैंने आपको कराए हैं, गोइंग टू, अबाउट टू, और एच ई प्लस टू वाले बाइक। उसमें आपको करना क्या बेटा, कि टू के बाद वी लगाना है, और एम बी फर्स्ट को एम बी
थर्ड करना है और कोई बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास तक हमारे कुल नोट्स हो गए कितने बेटाओ, 5। कल की क्लास में हम फिर हाजिर होंगे अपने नए नोट्स के साथ, छठवां वाला नोट्स। तो उसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करें कि नया नोट्स हमारा क्या आएगा, बिल्कुल ही नया आएगा, सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो मेरे हिसाब से आज की क्लास आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना है बेटा, ठीक है। और छठवां सातवां आठवां भी नोट्स बहुत सारे बेटा, बिल्कुल हम उनको आगे की तरफ कराएंगे। और आपसे मैंने जो पहले कहा था ना शुरू में, जो ये नोट्स तैयार किए थे शुरू की क्लास में, मैंने आपसे कहा था कि बेटा आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं बन जाए नोट्स से, ध्यान रखना इस चीज़ को कि हम पुराने नियमों को भूल जाएं, पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ आती जा रही है हमारे दिमाग में, नई नई उलझन पैदा होती जा रही है बेटा। अगर आपको उलझन लगे ना तो इनको बिल्कुल भी मत पढ़ना, फिर आपके काम असर्टिव, इंटरगेटिव और इंपरेटिव, आप वहीं तक रुक जाना बेटा, ठीक है। फिर उनको आप अच्छे से याद रखो, टेंशन ना लो। लास्ट की जब मैं क्लास कराऊंगा तो सबका बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा आपके लिए कि आपको ये जितने भी नियम हैं ये हमको शॉर्ट में किस प्रकार से याद रखने, पढ़ना तो आपको है, ऐसा मतलब पढ़ना नहीं, तब तक पढ़ना है, नोट डाउन भी आपको करना है, लेकिन लास्ट की जब क्लास होगी सबका मैं एक शॉर्ट फंड आपको समझाऊंगा कि सारी चीज़ें हम बिल्कुल उंगलियों पे हमारे किस प्रकार से हम याद रखें जिससे कि सारे पैसे हमको कम्प्लीटली याद हो जाए स्टूडेंट्स। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है, बार बार आई मीन टू से बार बार मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा कि टेंशन नहीं लेने का, 1% भी टेंशन मत लेना इंग्लिश के साथ, ठीक है। और इंग्लिश विद डायनेमिक गुरु, ये आप देखते हुए जाओ बेटा। एक एक टॉपिक आपको ऐसा मिलेगा बिल्कुल क्लियर जो आपके दिमाग में उतरता हुआ चला जाएगा, ठीक है बेटा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं इसी के साथ संपन्न करते हैं, और इसी के साथ बस आप अपने घर रहो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो बेटा, ठीक है। चाओ।